मंगलवार को शहर में हुई दो अलग अलग घटनाओं में दो वृद्धों की हत्या होने से सुरक्षा में फिर सेंध लग गई। एक घटना गणेशपेट परिसर में हुई तो वही दूसरी घटना गुरेवाड़ा परिसर में हुई। सोमवार शाम को लापरवाही से कार चलाते हुए अज्ञात चालक ने पैदल जा रहे एक राहगीर को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल राहगीर की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। सभी जोन के सहायक आयुक्तों को बुधवार से ही होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के कड़े निर्देश भी जारी किए गए। इसमें सीधे 5,000 रुपए का जुर्माना ठोकने के आदेश आयुक्त राधाकृष्ण बी द्वारा दिए गए। मंगलवार को एनडीएस दस्ते ने मनपा के सभी जोन में दस्तक दी, जिसमें कुल 97 मंगल कार्यालय और लॉन्स की जांच की गई। विशेषतः किसी भी मंगल कार्यालय और लॉन में समारोह की अनुमति नहीं दिए जाने से खाली पड़े पाए गए। लकड़गंज थाना अंतर्गत एक 34 वर्षीय महिला से छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया। आरोपी का नाम भरत तुकाराम जाखड़ बताया गया। महाराज बाग चौक से लेकर नागपुर यूनिवर्सिटी तक 850 मीटर के महाराज बाग रोड का काम भले ही वर्ष 2015-16 में शुरू किया गया हो, लेकिन 5 वर्षों का कार्यकाल बीत जाने के बावजूद अब तक यह पूरा नहीं हो पाया है। मंगलवार को हुई कार्रवाई में दस्ते ने सभी जोन में दस्तक दी। इसमें कुल 308 अतिक्रमणों का सफाया किया गया। साथ ही बार बार अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए दस्ते ने चार ट्रक सामान भी जब्त किया। मंगलवार को एक बार फिर 1338 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही अब तक जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 1,60,000 से पार हो गई है। वहीं 6 लोगों की मौत होने से अब तक आंकड़ा 4,407 तक पहुंच गया है। 1 मई से नागपुर शिरडी समृद्धि महामार्ग शुरू होने जा रहा है। इस खबर से नगर के साई भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वाटोड़ा थाना अंतर्गत लूटपाट की योजना बना रहे 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें 2 नाबालिगों का समावेश है।